सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे गलत खानपान के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से रक्त कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, जिसे नस ब्लॉकेज कहा जाता है। रक्त धमनियों के बंद होने पर कैरोनरी धमनी रोग, मनिया धमनी रोग, परिधीय धमनिया रोग, लकवा और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट व शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लॉकेज खोलने के लिए सर्जरी व दवाइयों का लोग सहारा लेते हैं, जो कि काफी महंगा इलाज है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप डाइट में कुछ ऐसी फ्रूट्स को शामिल करके इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूं कि भारत में 60% लोगों को नस ब्लॉकेज की समस्या क्यों है और कौन सी वो 5 चीजें हैं जिन्हें खाकर वो लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 40-60% लोगों की धमनियां कमजोर हैं, वहीं 20% महिलाओं को गर्भावस्था के बाद यह परेशानी होती है। इसकी पहचान सही समय पर नहीं हो पाती, जिसका असर वेरिकोज वेन के रूप में सामने आता है। फ्रेंड्स, दरअसल बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से नसों में खून का प्रभाव अच्छे से नहीं होता है, जिससे पैरों में सूजन और नसों के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, आखिर में किन लोगों को होती है ये ब्लॉकेज की परेशानी? यह परेशानी ज्यादातर उन लोगों को होती है जो लगातार कई घंटों तक रोजाना एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। वही 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। वेरिकोज की परेशानी पैरों की धमनियों में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ खून के प्रभाव का भार अधिक होता है। इसके लक्षण भी फ्रेंड्स आप लोग आसानी से जान सकते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो है ज्यादा चक्कर आना, बेहोश हो जाना, पैर की सतह की नसों में फैलाव आ जाना, पैर या शरीर में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, छोटी सांस आना या सीने में दर्द होना, ये सारे लक्षण होते हैं नस ब्लॉकेज के। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगी, जिन चीजों को अगर आप लोग रोजाना अपनी डाइट में लोगे तो आप लोग नस ब्लॉकेज की समस्या से जरूर छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें आप लोगों को लेना है। सबसे पहला, पुदीने का तेल। यदि आपकी नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो दर्द से प्रभावित जगहों पर आप लोग पुदीने के तेल से मालिश करें, इससे आप लोगों को नसों में जो दर्द होता है उससे राहत मिलेगी। दूसरी चीज है लहसुन। बंद धमनियों की समस्या होने पर 2-3 लहसुन की कली को आप लोग 1 कप दूध में उबालकर जरूर पिए। इसके अलावा अपने आहार में आप लोग लहसुन का जरूर सेवन करें, क्योंकि लहसुन का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज है फ्रेंड्स, अनार का जूस। आप लोग रोज सुबह 1 गिलास अनार के जूस का सेवन जरूर करें। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है अनार का जूस। इससे आप नस ब्लॉकेज और कई बड़ी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं, तो आप लोग अनार के जूस का सेवन भी जरूर करें। चौथी चीज है फ्रेंड्स, अश्वगंधा। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम सतावर, 100 ग्राम बाहीपत्र, 100 ग्राम इसबगोल और 400 ग्राम मिश्री को आप लोग मिला लीजिए। इस मिश्रण को सुबह शाम दूध के साथ लेने से नस ब्लॉकेज की समस्या दूर रहती है। पांचवी चीज जो फ्रेंड्स है वो है एवोकाडो। एवोकाडो में मौजूद मिनरल्स, विटामिन रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देते हैं, इससे नस ब्लॉकेज की समस्या से हम लोग बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 चीजें जिन्हें आप लोगों को लेना है, अपने डाइट में शामिल करना है। अगर आप लोग इन 5 चीजों को लेते हैं तो आप लोग जरूर नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज के डेट में हमारे देश में काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप लोगों को परहेज करना होगा। आप लोग नस ब्लॉकेज की समस्या होने पर आप लोगों को नमक, शक्कर, आइसक्रीम, तले हुए चीजें, प्रोसेस्ड या रिफाइंड आहार, जंक फ्रूट्स, नॉनवेज, प्रोटीन्स और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन आपकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर आप लोगों को नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और आप लोग
उस प्रॉब्लम में इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग आज से ही इन चीजों को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छी चीजों को खाकर अपने शरीर का बचाव कीजिए। सो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन, नस में ब्लॉकेज होने की समस्या से हम लोग कैसे बचें, कौन सी चीजें हम लोग खाएं जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।